बॉलीवुड की खूबसूरत डिवा उर्वशी रौतेला का क्रिकेट के लिए लगाव हमेशा से ही देखा जाता है। पिछले दिनों उर्वशी ने एक बार फिर क्रिकेट के लिए अपनी दीवानगी लोगों को दिखाई थी, जब वो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने पहुंची थी। इस दौरान उर्वशी रौतेला ने ब्लू कलर का काफी अच्छा ड्रेस पहना था और इस दौरान उर्वशी रौतेला इंडिया को जमकर चेयरअप करती भी दिखी थी। हालांकि इस दौरान उर्वशी मैच देखने में इतना ज्यादा मग्न हो गई कि उनका 24 कैरेट गोल्ड आईफोन स्टेडियम से चोरी हो गया। इसकी जानकारी उर्वशी ने अपने एक्स पर दी थी, लेकिन अब उन्होंने अपने फोन से जुड़ा एक अपडेट दिया है। उर्वशी को फोन चुराने वाले ने एक ईमेल भेजा है। अब इस ईमेल में चोर ने क्या शर्त रखी है और उर्वशी का इस पर क्या रिस्पांस आया है, आपको सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वोकल न्यूज और मैं हूँ आपके साथ प्रेरणा सागर। जब उर्वशी का फोन खोया था तब उर्वशी ने ट्विटर पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था कि मेरा 24 कैरेट आईफोन नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खो गया है, प्लीज किसी को मिले तो तुरंत कांटेक्ट करें। इसके साथ ही एक्ट्रेस ने अहमदाबाद पुलिस को भी टैग किया था। इसके बाद एक्ट्रेस ने एक नई अनाउंसमेंट भी की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उनका फोन ढूंढकर लाने वाले को तोहफा दिया जाएगा। एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था कि उनके फोन की लोकेशन ट्रैक हो गई है। इसकी लोकेशन अहमदाबाद के एक मॉल में देखने को मिल रही है। इसके बाद एक्ट्रेस ने अपने पोस्ट में ये भी कहा कि उनके फोन को ढूंढने वाले को इनाम दिया जाएगा। हालांकि इस इनाम में क्या होगा इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। लेकिन इसी बीच अब उर्वशी रौतेला को एक मेल आया है जो फोन चोरी करने वाले ने ही भेजा है। इस ईमेल में फोन चोर ने बताया है कि उन्होंने उर्वशी रौतेला का फोन चुराया है, लेकिन वो उन्हें ये फोन तभी वापस करेंगे जब उर्वशी रौतेला उनके भाई का कैंसर ट्रीटमेंट करवाएंगी। उर्वशी रौतेला को ये मेल ग्रो ट्रेडर्स के नाम से आया है, जिसका स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए उर्वशी ने चोर की बात मान ली है। उन्होंने थम्सअप देते हुए इलाज करवाने पर हामी भरी है। अब एक्ट्रेस फोन वापस पाने के लिए चोर की मदद भी करेंगी। फैंस उर्वशी के साथ हुई इस घटना पर तरह तरह की रिएक्शन दे रहे हैं। कुछ लोगों ने एक्ट्रेस की दरिया दिली की तारीफ की तो ज्यादातर लोग उर्वशी को इस बार भी ट्रोल कर रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि आखिर आईफोन चोरी होने के बाद उर्वशी ने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं कराई, सिर्फ सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी थी। साथ ही इस विवाद को उर्वशी का पब्लिसिटी स्टंट भी माना जा रहा है। वेल, अगर उनके वर्क फ्रंट की बात करें तो उर्वशी रौतेला कुछ दिन पहले ही बिग बॉस OTT2 के विनर एल्विश यादव के साथ एक म्यूजिक एल्बम में नजर आई थी। दोनों के इस गाने को दर्शकों ने खूब सारा प्यार भी दिया था। बहुत जल्द एक्ट्रेस अब कुछ बड़े प्रोजेक्ट में भी नजर आने वाली है, जिसका उनके फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वैसे क्या आप लोगों को भी लगता है कि उर्वशी का फोन चोरी होना पब्लिसिटी स्टंट है? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा और ऐसी वीडियोस के लिए द वोकल न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें।